पावरफुल ब्रेकफास्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावरफुल ब्रेकफास्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आती है कि मैंने पावरफुल ब्रेकफास्ट के बारे में ही बात क्यों की, मैं लंच के बारे में भी कर सकता था और डिनर के बारे में भी कर सकता था। तो चलो सबसे पहले इसकी साइंस समझते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी उस टाइम सभी क्रियाएं काम करना बंद कर देती है, लेकिन एक क्रिया होती है जो कि सोते समय भी चलती रहती है, वो है लार बनने की क्रिया। और सुबह तक उठते उठते वो लार की मात्रा बहुत ज्यादा होकर हमारे मुंह में जमा हो जाती है। मेरे भाई ये वही लार है जो कि भोजन पचाने में काम करती है, और जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो ये हमारे पेट में जमा हो जाती है और हमारी जठराग्नि सुबह के समय अधिक जागृत होती है, ठीक है। और इससे होता यह है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है, मतलब हम जो भी सुबह के समय खाएंगे, वो सारे का सारा डाइजेस्ट होता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और हमको अधिक एनर्जी देता है। इसलिए जितना पावरफुल आपका ब्रेकफास्ट होगा उतना पावरफुल आपका शरीर होगा। और जो लोग सुबह के समय ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच और डिनर दबाकर करते हैं, तो आप सब लोगों को नमस्ते, राम राम, जियो। आज की वीडियो में मैं आपको कोई एक ब्रेकफास्ट नहीं बताऊंगा बल्कि अलग अलग बताऊंगा। जिस तरह आप हर रोज अलग अलग वर्कआउट करते हो वैसे ही ब्रेकफास्ट करना है अलग अलग। तो चलो भाई बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बारे में। सबसे पहली चीज तो सुबह के समय शुरुआत करनी है गुनगुने पानी से, कुछ हो जाए, क्योंकि इससे हो गए आपको भूख लगेगी और आपका पाचन तंत्र डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको लेने हैं 10 बादाम, 10 काजू एक कटोरी में, और साथ में 1 कोला दलिया और 2 केले का बनाना शेक। इन सबको खाना है सुबह के समय। और जो लोग बोलते रहते हैं कि हमको प्रोटीन लेना है, हमारा प्रोटीन पूरा नहीं होता, तो देखो 15 ग्राम प्रोटीन है आपके बनाना शेक में और 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा आपको दलिये में और 2 से 3 ग्राम मिल जाएगा आपको बादाम काजू में। ये हो गया आपका 25 ग्राम तक प्रोटीन और भरपूर कैल्शियम भी मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन भी सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब बात करूंगा दूसरे ब्रेकफास्ट की। सबसे पहले आपको खाने हैं देसी चना भिगोकर रात को सुबह खाली पेट, कम से कम 100 ग्राम देसी चना। उसके बाद आपको दाल के साथ रोटी खानी है, जितनी आप खा सकते हो उतनी खाओ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सुबह की रोटी से परहेज मत करना। अगर 2 की भूख लगे हो तो 3 भी खा लोगे ना, वो भी हजम होगी, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। दाल रोटी के साथ आपको 1 गिलास जूस का लेना है, दूध और शेक नहीं पीना, कोई भी फल का जूस पी सकते हो। अगला ब्रेकफास्ट जो मैं आपको बताऊंगा, इसको गांव वाले अफोर्ड कर सकते हैं जिनके घर में अच्छा दूध दही होता है, क्योंकि और जगह तो आपको पता है मिलावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस होना असली चाहिए। आपको चाहिए क्या क्या, पनीर का परोठा और 1 कटोरी माखन की आपको खानी है सुबह के समय, और उसके आधे घंटे बाद पीना है दूध, एकदम नहीं पीना। अब ब्रेकफास्ट जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको तब खाना है जब आपके लेग मसल्स का वर्कआउट होता है, जिस दिन आप लेग मसल्स का वर्कआउट करते हो। अगर आप रात को करते हो और शाम को वर्कआउट करते हो तो आप सुबह को ये डाइट ले सकते हो, और अगर आप सुबह को ही वर्कआउट करते हो तो सुबह को वर्कआउट के बाद आपको ये डाइट लेनी है। इसमें आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी, पनीर, भीगा हुआ चना, बादाम, धनिया, मूंगफली, इन सब को चीर कर बराबर इन सब की बराबर मात्रा ले लेनी है, काट कर इनमें नींबू निचोड़ लेना है, और साथ में आप जूस भी पी सकते हो, लेकिन आधे घंटे बाद पीना है आपको जूस। ये था पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट जो कि आपको अलग अलग दिन करना है, अलग अलग ब्रेकफास्ट। आपकी ग्रोथ में आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा। मेरी एक बात ध्यान रखना भाइयों, आपकी बॉडी की एनर्जी इस चीज पर भी डिपेंड होती है कि आपने सुबह कैसा ब्रेकफास्ट किया। सुबह का खाना ही आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है, ये चीज समझो। ये बात मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, तो भाई सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी का। सुबह ब्रेकफास्ट अगर आप रात को डिनर ना करो तब भी काम चल जाएगा, पूरी लाइफ टाइम मत करो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो भाई ऐसी ऐसी सी बीमारी आएगी। बॉडी बनाना तो छोड़ दो आप, ऐसी बीमारी आएगी आप सोच भी नहीं सकते। और ये बात उन लोगों के लिए भी है जो 1-2 रोटी खाते हैं, तो भाई सुबह की डाइट बढ़ाओ, जितनी बढ़ा सकते हो सुबह की डाइट बढ़ाओ, क्योंकि सुबह की डाइट ही है जो आपको जो पूरी की पूरी डाइजेस्ट होती है और डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में पावरफुल लंच या फिर डिनर की डाइट पे वीडियो बनाऊं, कि लंच कैसा हो डिनर कैसा हो, स्टडी करके इस पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।